नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं हूं गोविंद गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। आज देश भर में मनाई जा रही है ईद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। नीतीश ने कोविंद को समर्थन क्या दिया। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। अब खबरें विस्तार से। आज पूरे देश में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुखर्जी ने अपने बधाई संदेश में कहा, ईद के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, विशेष रूप से भारत और विदेशों में रह रहे भारतीय मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। वहीं आज जयपुर में ईदगाह, जौहरी बाजार मस्जिद, रामगंज बाजार, शास्त्री नगर समेत मुस्लिम इलाकों में लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा आज तड़के जियारत के लिए खोल दिया गया। उधर दौसा में इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने खुदा की वारगाह में सिर झुकाकर देश में अमन और चैन के लिए दुआ मांगी। इस अवसर पर पूर्व सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा, पूर्व वित्त मंत्री बीरेंद्र मीणा सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार द्वारा रामनाथ कोविंद को दिया गया समर्थन राजद पचा नहीं पा रहा है। इसके कारण बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार पर लालू एंड पार्टी एक के बाद एक हमले कर रही है। राजद नेताओं के बयान का पलटवार करने के लिए अब जेडीयू के नेता भी मैदान में कूद गए हैं। दो दिन पहले राजद के मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश ने हर मौके पर लोगों को ठगा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, लेकिन ठगने वालों को जनता खुद सबक सिखा देगी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने भी तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि चुनाव से पहले हार कैसे मानी जा सकती है। साथ ही लालू यादव का कद बड़ा बताते हुए कहा कि इसमें कोई दोहरा नहीं कि महागठबंधन का स्वरूप तय करने का श्रेय लालू यादव को दिया जाता है। दौसा के एक निजी मैरिज लॉन में भाजपा का बूथ विस्तारक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ थे। इस अवसर पर प्रत्येक बूथ कार्यकर्ताओं को प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। कार्यकर्ताओं को प्रचार सामग्री के तहत वोटर लिस्ट व अन्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर सराफ ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र में जाकर मालूम करेगा कि भाजपा की विचारधारा वाले कितने लोग हैं और कांग्रेस की विचारधारा वाले कितने लोग हैं। चालू किया है 25 जून से लेकर 2 जुलाई तक ये कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। इसमें अपनी कांस्टिट्यूंसी को छोड़कर दूसरी कांस्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक पहले चरण के रूप में 7 दिनों के लिए जाएंगे। 50 मेंबर घर घर जाकर संपर्क करके जो टोल फ्री नंबर है उससे बनाएंगे और राजस्थान सरकार की और केंद्रीय सरकार की जो उपलब्धियां हैं 3 साल और 3.5 साल की, उसको जनता के बीच में बताएंगे। कांग्रेस ने तो क्या पता किया कि नहीं किया, पर हमने अब इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है और हमारा टारगेट है कि अगले विधानसभा के चुनाव में 200 में से 180 सीट जीतें और राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर पुनः लोकसभा में जीत कर नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है, जहां के विज्ञान के विद्यार्थी हैं PCM के अंतर्गत झुंझुनू जिले में सर्वश्रेष्ठ। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से व्यवस्था,
और वर्ष में दो बार मेडिकल चेकअप, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार, उसके साथ ही कमजोर छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस का भी आयोजन कराया जाता है। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413811100 पर। अब रुख करते हैं अन्य खबरों की ओर। प्रदेश के दो अलग अलग जिलों में आज सुबह दो सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। पहला हादसा झालावाड़ जिले के खानपुर थाना इलाके में हुआ। झालावाड़ से बारा जा रहा कोटा स्टोन से भरा एक ट्रोला चालक को नींद की झपकी आने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा, जिससे ट्रोले की चपेट में आने से सो रहे राजकुमार और उसके मासूम बेटे बंटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा उदयपुर में टोड़ी थाना इलाके में आज तड़के करीब 4:30 बजे हुआ, जहां एक कंटेनर और ट्रोले की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में ट्रोला चालक दिनेश कुमार व परिचालक रघुवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कंटेनर के चालक जावेद व परिचालक निसार की हरियाणा में मौत हो गई। राजधानी में एक बार फिर ब्लैकमेलिंग करने का जाल फैल रहा है। इस बार गुड़गांव की एक युवती ने कोटा से जयपुर आ रहे कारोबारी को बातों में फंसाकर दोस्ती की और उसके बाद जयपुर के एक होटल में उससे संबंध बनाए। इन संबंधों का हवाला देकर ही अब युवती कारोबारी को ब्लैकमेल कर रही है और 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। आदर्श नगर थाने में कारोबारी ने मामला दर्ज करवाया है। आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसका खुलासा आज आपके राजस्थान के मुख्य पर्यवेक्षक कुमार विश्वास ने किया है। विश्वास ने कहा कि यहां पर पार्टी पहले राजनीतिक विकल्प के रूप में लोगों के सामने आगामी विधानसभा चुनाव में होगी। आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में पहली बार शिरकत करने आए कुमार विश्वास ने कहा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी तो 3 दलों में बटी हुई है, जबकि भाजपा 5 खेमों में बटी हुई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का यहां पर राजनीतिक योग प्रबल बन रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 18 महीने को लेकर पार्टी की रणनीति कार्यकर्ता सम्मेलन में तय की गई है। पार्टी अपने मूल सिद्धांतों के आधार पर ही राजस्थान में भी कार्य करेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचार के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।